कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा प्रहार किया है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को क्रांतिकारी करार देते हुए कहा कि घोषणा पत्र देखकर पीएम मोदी घबराए हुए हैं। दिल्ली में आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में बोलते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी बीते दिन 4 दिनों से बीमार चल रहे थे। आज ही उन्होंने फिर से चुनाव प्रचार कार्यक्रम में शामिल होना शुरू किया है। दिल्ली में सामाजिक न्याय सम्मेलन के बाद वो महाराष्ट्र रवाना होंगे। महाराष्ट्र में राहुल गांधी अमरावती और सोलापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अरबपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। राहुल गांधी ने कहा कि इन पैसों से 16 करोड़ युवाओं को 1 लाख रुपए साल की नौकरी मिल सकते थे। 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देकर उनके परिवारों की जिंदगी बदली जा सकती थी। 10 करोड़ किसान परिवारों का कर्ज माफ कर अनगिनत आत्महत्याएं रोकी जा सकती थीं। राहुल गांधी की बातों और उनके वादों पर देश कितना अमल करता है ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे, लेकिन ये बात तो तय है कि 2024 के रण में ना तो इंडिया की राह आसान है और ना ही एनडीए की।